बीवी का पूरा पानी झाड़कर बीवी को संतुष्ट करना चाहते हो तो इस दवाई को खाकर बीवी के पास बिस्तर में जाओ। 100% गारंटी है। बीवी की दोनों टांगें फैलाकर लगातार 3 घंटे तक ठोकाई करोगे, ठोक ठोक कर बीवी का सारा पानी झाड़ दोगे। आपकी बीवी 4 दिनों तक टांगें फैलाकर चलेगी। इतना ज्यादा जोश और एनर्जी भरा हुआ है इस औषधि में। शीघ्र पतन, घात रोग, स्टैमिना, नपुंसकता, स्पर्म काउंट का कम होना, लिंग में तनाव का न होना, टाइमिंग की कमी, सेक्स संबंधित किसी भी समस्या का पाएं बेहतर इलाज, झिझके नहीं, अभी कॉल कर। शीघ्र पतन, घात रोग, स्टैमिना, नपुंसकता, स्पर्म काउंट का कम होना, लिंग में तनाव का न होना, टाइमिंग की कमी, सेक्स संबंधित किसी भी समस्या का पाएं बेहतर इलाज, झिझके नहीं, अभी कॉल। तो चलिए जाने इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो कर लें। आपको पता ही है, आज के समय में कम उम्र से ही हिलाने की वजह से, ज़्यादा वीर्य गिराने की वजह से नपुंसकता आती है, नामर्दी आती है, शीघ्र पतन की बीमारी आती है, धात रोग जैसी खतरनाक बीमारियां लग जाती हैं, नाइट फॉल्ट, स्वप्न दोष जैसी खतरनाक बीमारियां सिर्फ हिलाने की वजह से आती हैं। अगर आपने भी हिलाना छोड़ा नहीं है तो आज से हिलाना छोड़ दो और इस दवा को खाओ। 100% गारंटी है। 4 बच्चों की माँ भी आपके सामने घुटने टेक देगी, इतनी ज्यादा जोशीली दवा है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज, आपको चाहिए पके हुए टमाटर, और दूसरी चीज, आपको चाहिए इलायची। इलायची और पका हुआ टमाटर आपके नपुंसकता, नामर्दी, हिजड़ेपन को, आपके वीर्य झड़ने की शक्ति को बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है। आपके वीर्य को जल्दी झड़ने नहीं देगा, इतनी ज्यादा शक्तिशाली औषधि है यह। इसके लिए आपको 20 से 25 ग्राम की मात्रा में इलायची लेनी है, पीस करके, पाउडर करके किसी कांच के जार में भरकर रखना है। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम पके हुए टमाटर को बीच में से 4 टुकड़ा काटें और उसमें आपको लगाना है इलायची के चूर्ण को। इलायची के चूर्ण को पके हुए टमाटर में अगर आप लगाएंगे और उसे चबा चबा कर खाएंगे तो आपके नस नस में घोड़े से भी ज्यादा मर्दाना ताकत आएगी। बीवी का पूरा पानी झाड़ने के बाद ही आपका वीर्य झड़ेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड।